खबर भीलवाड़ा से, जहां एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर एसीबी की जयपुर ग्रामीण व टोंक इकाई द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के 3 वरिष्ठ अधिकारियों, अधीक्षण अभियंता रामेश्वर शर्मा, अधिशासी अभियंता सतीश शारदा व सहायक अभियंता ब्रह्मलाल शर्मा को ट्रैप की कार्यवाही करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के बिलों को पास कराने में कमीशन के रूप में प्रतिशत की राशि की मांग कर उसे परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज भीलवाड़ा में एसीबी के मुख्यालय स्थित जयपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल वर्मा व टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह एवं उनकी टीम द्वारा संयुक्त रूप से ट्रैप की कार्यवाही की गयी, जहाँ तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय की शिकायत के सत्यापन के दौरान भी तीनों अधिकारियों ने परिवादी से रिश्वत के 1,25,000 रुपए प्राप्त किए थे और शेष राशि देने की मांग की थी। उक्त प्रकरण में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की भी तलाशी ली गई। अभियान का पर्यवेक्षण अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसीबी टीमों द्वारा किया जा रहा है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24 घंटे संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। के परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी कि यूआईटी भीलवाड़ा में विभिन्न निर्माण कार्यों के बदले अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग रिश्वत राशि की मांग की जाती है। जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उनके बिल पास करने की एवज में AN से लेके SC तक और जो एक्शन का चार्ज जिनके पास है वो लोग सभी जितने भी बिल उनके पास करने होते हैं उसके बदले में रिश्वत राशि की मांग करते हैं। इस बात का ACB मुख्यालय के अधिकारियों उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमने सत्यापन कराया। सत्यापन में ये बात सही पाई गई और सत्यापन के समय भी आरोपी अधिकारी रामेश्वर लाल शर्मा जो ऐसी हैं अधीक्षण अभियंता है उन्होंने परिवादी से 1,25,000 रुपये सत्यापन के समय ही प्राप्त कर लिए। इसके अलावा जो दो अन्य आरोपित अधिकारी हैं जिनको ट्रैप किया है ब्रह्मलाल शर्मा और सतीश शारदा ये दोनों AN हैं लेकिन इनके पास एक्शन का चार्ज है वर्तमान में। इन दोनों ने भी सत्यापन के समय 50,000 रुपये की डिमांड की थी आप परिवादी के जो बिल थे उनको पास करने की एवज में। सत्यापन सही पाए जाने पर हमने आज ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते समय ACB मुख्यालय के माननीय DG साहब और एडिशनल DG साहब दिनेश एमएन सर के निर्देश में आज हमने ये कार्रवाई की।